हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट लेक्चर, क्योंकि लेक्चर नंबर 5 होगा। ठीक है, इसके पहले 4 लेक्चर मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। उन चारों लेक्चरों में करीब 50 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एसएससी की किसी भी एग्जाम के लिए। एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मैंने 4 लेक्चर पढ़ाए हैं। आज एक अंतिम लेक्चर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, और कल से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट नया चैप्टर डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है, परीक्षा के पहले मैंने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का वादा किया आपसे। सिंपलीफिकेशन परसेंटेज मैंने कंप्लीट किया है 4-4, 5-5 लेक्चर के माध्यम से, और आज प्रॉफिट एंड लॉस का भी अंतिम लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो सारे वीडियोस को कंटिन्यू देखिए और सीखिए, नोट्स बनाइए, है ना, और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आप सभी के सामने, देखिए और बनाइए। किसी अंकित मूल्य पर 35% की छूट वाले विक्रय मूल्य तथा 20% और 15% के दो क्रमिक छूट वाले विक्रय मूल्य में 504 रुपए का अंतर है, तो कह रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। ठीक है, अगर आपने 4 लेक्चर अच्छे से अटेंड किए हैं समझते हुए, तो आपका ये सवाल बनना चाहिए। कहना क्या चाह रहा है कि एक बार हम 35% का अकेले डिस्काउंट दे रहे हैं, और एक बार 20% और 15% का दो बार दे रहे हैं। तो आपको पता है कि ये 20 और 15 का जब कंबाइन करेंगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। कल मैंने सिखाया, परसों भी सिखाया था, है ना, कम हो जाएगा। तो ये कह रहा पहला और ये जो अब आएगा उसमें 504 रुपए का डिफरेंस है, तो बताओ अंकित मूल्य कितना। आपको पता है अंकित मूल्य हमेशा कितना हम लोग अज्यूम करते हैं, 100%। ठीक, तो जरा ध्यान से देखिए, पहला जो डिस्काउंट है वो अकेला कितने का है, 35% का। अब यहाँ पे 20 और 15 दो बार दिया गया है, तो ये कितना सिंगल डिस्काउंट किसके किसके बराबर होगा। तो इसको आपको निकालने के लिए मैंने आपको कल बताया था D1 + D2 - D1 D2/100। ठीक, पहला डिस्काउंट प्लस दूसरा डिस्काउंट माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन बटा 100। 20 और 15 को कंबाइन करना है, 20 + 15 - 20 × 15/100, 20 × 5 = 15। 20 × 15 = 35, 35 में से 3 गया, कितना जाएगा भाई, 32%। क्लियर है, यानी ये जो छूट होगी इक्विवेलेंट होगी 32% के। क्लियर, यानी 20% 15% का चाहे दो बार डिस्काउंट दो, या फिर एक बार में 32% का दे दीजिए, बात दोनों बराबर है। अच्छा, 35 और 32 में हमारे अकॉर्डिंग कितने का अंतर है, 3% का, और क्वेश्चन में कह रहा है 504 का डिफरेंस है। काट दीजिए, 1% की वैल्यू आ जाएगी, 3 × 3 = 18 और 3 × 8 = 24। क्लियर है, 1% अगर 159 है, अंकित मूल्य यानी 100% की वैल्यू बतानी है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आपका अंकित मूल्य है वो निकल के आ जाएगा 16,800, जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। क्लियर है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, 16,800 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, है ना, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, है ना, जिनका भी एग्जाम है, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, आपको हर लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और सारे लेवल में आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, बस आप सपोर्ट करते रहिए। 22 सही 2/9%, 14 सही 2/7% और 6.25% की 3 क्रमागत छूट किस एक छूट के बराबर है। A single discount equivalent to 3 successive discounts of 22 of 2/9%, 14 of 2/7% and 6.25% is। मतलब ये 3 बार अलग अलग छूट दिया जाए तो इसको कितना कहें कि ये एक सिंगल डिस्काउंट के बराबर हो जाए। तो मैंने आपको बताया था जब नॉर्मल परसेंट रहे तो फार्मूला लगाओ D1 + D2 - D1 D2/100, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू है, सही बटा में वैल्यू है, तो सारी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलो। 22 सही 2/9% कितना होता है भाई, 2/9 होता है। कैसे पता चला, मैंने आपको 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 बताई है। बताओ ये 11 सही 1/9 का डबल है क्या, मल्टीपल है, डबल है, तो यहां भी इसकी वैल्यू को डबल कर देंगे, तो 2/9 इसकी वैल्यू हो जाएगी। 2/9 का मतलब है 9 का सामान 2 के डिस्काउंट पे बिकेगा, तो कितने बिकेगा भाई, 7 में बिक जाएगा। क्लियर है, 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको रटी होनी चाहिए 1/7, 1/7 का मतलब है 7 का सामान 6 में, और 6 सही 1/4% कितना होता है भाई, देखो ये कितना है, 6 सही 1/4%, 4×6 = 24, 25/4,
मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 25 चौका 100, 4 चौक 16, 1 बटा 16 का मतलब है 16 का समान कितने बिकेगा भाई, 15 बिकेगा। क्लियर है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 नौया 144 होता है, 144 गुणा 7, 28 के 8 हासिल 2, 28 2, 30 के 0 हासिल 3, 7 का 9, 7 3 10, 1008 का समान है, अंकित मूल्य है, बिक कितने में रहा देखिए यहाँ पे, 15 छक्का 90, 90 गुणा 7 करेंगे 630। क्लियर है, 1008 का समान 630 में बेच रहे हो तो बताओ कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं भाई, 378 रुपए का आप डिस्काउंट दे रहे हैं। क्लियर है, 378 रुपए का अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, 378 रुपए का अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूं कितने पर भाई, अंकित मूल्य पर, और अंकित मूल्य कितना है 1008, तो ये परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको अगर काटने का प्रयास करूं तो 2 × 5 = 10, 0 × 2 = 8, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18। क्लियर, अब ये किससे कटेगा, 5 × 4 = 9, 9 से काटी, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 2 = 18, 9 × 1 = 9। क्लियर है, 4 से काट दीजिए 14 बार, 4 से काट देंगे 25 बार, 25 × 21 करिए, 25 से 25 के 5 हासिल 2, 25 × 2 = 50, 2 = 52, और नीचे 14 से भाग करना है, 14 × 3 होता है 42, 10 = 105, 14 × 7 = 98, 37 से जुड़ा अपने को उत्तर चाहिए, और 37 से जुड़ा उत्तर आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलता है। क्लियर है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल में आया हुआ सवाल है। क्लियर है, सीजीएल में आपको पता है कैलकुलेटिव सवाल टीसीएस ज्यादा पूछता है ना, तो उसी के रिगार्डिंग ये इस तरीके की वैल्यू आपको दिमाग में होनी चाहिए। क्लियर है, 10%, 20%, 30% देता तो सवाल आसान हो जाता है, लेकिन जब मल्टीपल में चीजें पूछी जाती है ना और वैल्यू जो कठिन हो जाती है, तो उस तरीके की वैल्यू के लिए भी आप तैयार रहिए। एसएससी में जितने भी एग्जाम टीसीएस कराता है उसमें सवालों का लेवल इजी रहेगा, लेकिन आपका जो डाटा रहेगा वो कैलकुलेटिव रहता है। ठीक है, तो कैलकुलेटिव डाटा पे काम करिए, है ना, जिससे आपको परीक्षा में समस्या ना हो। अगले सवाल पे बात करते हैं, अगला सवाल देखिए, चलिए बनाइए, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 600 रुपए प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सियां बेचता है, पहली कुर्सी पर 25% का लाभ, दूसरे पे 25% की हानि हो रही है, तो बताइए कुल हानि कितनी है। क्लियर, कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, ये भी पूछ सकता था, लेकिन ये पूछना चाह रहा है कि बताओ वैल्यू में, नंबर में कितने का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बात दूसरे लेक्चर में बताई थी कि अगर दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम हो, जितना सेलिंग प्राइस पहले का हो उतना ही सेलिंग प्राइस दूसरे का हो, और जितने का प्रॉफिट हो उतने का ही लॉस हो, तो हमेशा लॉस होता है पूरे सौदे में, हमेशा क्या होता है लॉस होता है। कितने परसेंट का लॉस होता है, तो बताया था इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है और 100 से भाग कर देना है। क्लियर है, इतने परसेंट का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। क्लियर है, लेकिन ये तो परसेंट में होता तब बताते, ठीक, इसको डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन जब परसेंट में पूछता तो, लेकिन यहाँ पे आपसे परसेंट में नहीं पूछा है। क्लियर है, परसेंट में नहीं पूछा है, नंबर में निकालना है, तो जरा ध्यान से देखो, पूरा कॉन्सेप्ट समझो इसका। 25% के प्रॉफिट में बेच रहा है, 25% का मतलब 4 का सामान कितने बेच रहा है भाई, 5, और दूसरी बार 25% की हानि मतलब 4 का समान 3 में, और क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्राइस अलग अलग है, तो बताओ सेलिंग प्राइस बराबर कर दें, तो ऊपर कर दो 3 का मल्टीप्लाई और नीचे कर दो 5 का मल्टीप्लाई, 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 15 बराबर हो जाएगा। रेशियो बैलेंस करने के लिए दोनों में गुणा करिए, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, और यहाँ 5 से गुणा करेंगे, 5 × 2 = 20, 5 × 3 = 15। क्लियर, अब जरा ध्यान से देखिए, हमारे अकॉर्डिंग 600 रुपए क्वेश्चन में दिया है कि प्रत्येक कुर्सी को बेचता है 600 रुपए में, यहाँ हम कितने बेच रहे हैं भाई, 15 यूनिट में, तो बताओ 15 यूनिट की वैल्यू अपने पास 600 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 40 है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 40 है। कह रहा है बताओ कुल हानि कितने की हो रही, बताओ 20, 12, 32 में सामान खरीदा है और बेच कितने में रहे हैं, 30 में, तो बताओ कितने यूनिट का लॉस हो रहा है, 2 यूनिट का, और एक यूनिट की वैल्यू 40 है, तो बताओ 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 का डबल 80 हो जाएगी, 80 आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलता है। क्लियर है, डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। डायरेक्ट परसेंट में पूछता और जितने का लाभ उतने की हानि होती, तो गुणा करके 100 से भाग कर देते, वो तो परसेंट निकल जाता है, लेकिन जब आपसे वैल्यू पूछेगा रियल वैल्यू, तब आपको ये वाला प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। क्लियर है भाई, फटाफट नोट करिए और वीडियो को लाइक करो यार, वीडियो को तुम लोग लाइक नहीं करते हो ना ही शेयर करते हो, ठीक है, शेयर करने में कंजूसी करते हो, ठीक है, इतनी मेहनत से क्वेश्चन में ला रहा हूँ और तुम्हारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रही, तो वीडियो को शेयर करो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, है ना, तभी कुछ फायदा निकलेगा, है ना, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा इस तरीके के
जो एफर्ट लगाए जा रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को शेयर किया करिए, मैक्सिमम शेयर करिए, ठीक है। देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड गेन परसेंट। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। देखो क्या कह रहा है भाई, 15 का क्रय मूल्य, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, सीपी किसके बराबर है भाई, 9 के एसपी के बराबर है। तो आप निकालो सीपी बटा एसपी का रेशियो, कल भी इस तरीके के सवाल मैंने करवाए थे आपको, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 9/15। 3 से 3 बार कटेगा, 3 से 5 बार कटेगा, यानी सीपी अपना 3 है तो एसपी कितना है भाई, 5। सीपी 3 है तो एसपी 5 है, मतलब 3 का सामान 5 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट अपने को कितने का हो रहा है, 2 का। प्रॉफिट परसेंट बताना है तो 2 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर भाई, 3 यूनिट पे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 200/3%। कितना आ जाएगा भाई, 200/3%। इसको भाग करने पर कितना आता है भाई, 66 सही, 2/3%, या इसी को क्या बोल सकते हैं, 66.66% बोल सकते हैं। बताओ भाई क्लियर है क्या, 66.66 जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है, आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, समझते चलिए, नोट करते चलिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में। चलिए, 26 गेंदों को 1350 रुपए में बेचने पर 8 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, एक गेंद का क्रय मूल्य बताइए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत आसान लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई सारे एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, CHSL, CGL है ना, MTS, इस तरीके के सवाल खूब रिपीट होते हैं। फटाफट उत्तर बताइए, जवाब दीजिए भाई। 26 गेंदों को 1350 में बेच रहे हैं, 26 गेंदों को 1350 बेच रहे हैं, 8 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर घाटा हो गया, मतलब 26 गेंद अगर आपने बेची है तो 26 गेंद आपने खरीदी नहीं होगी, 26 गेंद आपने खरीदी तो, लेकिन जब आपने उसको बेचा तो जो उससे पैसा प्राप्त हुआ, उससे जो आपका कलेक्शन हुआ, वो 8 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर घाटे के बराबर हुआ। मतलब अगर आपने 26 बॉल खरीदी थी तो आपको पूरे 26 का पैसा नहीं मिला, 8 गेंदों का उस पर घाटा हो गया, यानी आपको कॉस्ट प्राइस केवल कितने का मिला, 18 बॉल्स का कॉस्ट प्राइस आपको मिल पाया। आपने बेचा पूरे 26 को, लेकिन आपने कम में बेच दिया, इसलिए आपको लॉस हो गया। कितने के लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ आपको, 8 गेंदों के कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस हो गया, यानी 26 आपने बेचा लेकिन आपको 8 गेंदों का पैसा नहीं मिला, मतलब आपको पैसा कितने का मिला, 18 गेंदों का, यानी जो 1350 दिया हुआ है, ये कितनी बॉल का कॉस्ट प्राइस है भाई, 18 बॉल का। 26 गेंद आपने बेची लेकिन 8 गेंदों का आपका लॉस हो गया, तो यानी आपका जो कॉस्ट प्राइस निकल गया वो केवल 18 गेंद का निकल के आया। पूछ रहा है एक गेंद का कॉस्ट प्राइस बताओ, 18 से डिवाइड कर दीजिए, 18 × 7 = 126, 9 = 90, 18 × 5 = 90, एक बॉल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 75 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिक अगर आप नहीं लगा पाएंगे तुरंत, तो इस सवाल का उत्तर आप तुरंत नहीं निकाल सकते, ठीक है। बाकी हमको इसको ओरली देख करके आंसर निकालना है, केवल 5 सेकंड। क्लियर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आंसर आपका निकल आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पच्चीस किताबों की लागत मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ बताइए, ठीक है। खूब पूछा गया इस टाइप का सवाल, ठीक है, खूब पूछा जाता है, ठीक है। आप इसका प्रैक्टिस रखिए, जल्दी जल्दी सवाल होना चाहिए आपसे, बस 25 का सीपी 20 के एसपी के बराबर है, क्लियर है। स्पीड होना चाहिए बस, 5 से 5 बार, 5 से 4 बार, सीपी बटा एसपी कितना जाएगा भाई, 4/5, क्लियर है। स्पीड होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, स्पीड पे खूब काम करिए, सवालों को बार बार रिपीट करिए, रिवीजन करिए उसका। इस बार के जीडी के एग्जाम में स्पीड बहुत मायने रखेगा, क्लियर है। 4 का सामान 5 में बेच रहे हैं, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का। प्रॉफिट परसेंट चाहिए, 1 का प्रॉफिट सीपी पे यानी 4 पे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 25% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, क्लियर है भाई। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
आपको आता है सवाल, लेकिन अब मायने रखेगा कि आपको कितने सेकंड में आता है, क्या अप्रोच है आपकी, ठीक है? तो उस पे काम करिए आप, है ना, अप्रोच को आप अपनी अच्छी करिए, इस तरीके के तरीके अपनाइए और चीजों को जल्दी करने का प्रयास करिए, ठीक है? अगला सवाल देखो भाई, चलिए और सवाल आपको देते हैं इस तरीके का। काफी सवाल पूछे गए हैं, रिसेंट के एग्जाम में ही पूछे गए हैं, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम रहा हो और चाहे रेलवे का रहा हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम रहा हो, सारे एग्जाम टीसीएस कराता है, ठीक है? तो क्वेश्चन का जो सफलिंग होता है वो रिपीट होता है, एक जगह से हटाया दूसरी जगह पर दिया। एमटीएस के सवाल ग्रुप डी में देता है, ग्रुप डी के सवाल एमटीएस में देता है, सीजीएल के सवालों को सीएचएसएल में डालता है, सीएचएसएल के सवालों को एनटीपीसी में डालता है, ठीक है? तो सारे आपको लगाने चाहिए, पीछे जो पिछला प्रीवियस ईयर है वो सारे प्रीवियस ईयर अगर आप लगा लेते हो तो आपको एक अच्छा कमांड हो जाएगा मैथ्स के क्वेश्चंस में। अगला देखिए, 600 नींबुओं का क्रय मूल्य यानी 600 का सीपी 400 के एसपी के बराबर है, क्लियर है? दो जीरो कैंसिल कर सकते हैं, दो दूना चार, दो तीन छह, तो सीपी बटा एसपी निकाल लीजिए आप, आपको मिल जाएगा 2/3। दो का सामान अगर तीन में बेच रहे हैं तो एक का प्रॉफिट दो पे, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा भाई, 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, इस तरीके के सवाल हम लोगों ने कई सारे कर लिए, है ना? चलो और जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, बनाओ भाई, एक व्यक्ति अपने भोजन के बिल पर 35% और फिर 12% की छूट प्राप्त करता है, बताइए समतुल्य छूट क्या है? आपको पता है समतुल्य छूट क्या होती है भाई, D1 + D2 - D1 D2/100, क्लियर है? 35 का छूट मिलता है प्लस 12 का मिलता है, यहाँ दोनों का गुणनफल बटा 100, 35 12 हो जाएगा 47 माइनस 5 से 7 बार, 5 से 20 बार, क्लियर है? 2 × 20 = 2 से 6 बार, सच्छंग 42, 42 को 10 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 4.2, जितने जीरो से भाग करना होता है उतने दशमलव लग जाते हैं ऊपर, 47 में से 4 घटाए 43, 2 और घटाएंगे 42.8% का डिस्काउंट मिलेगा, 42.8% का डिस्काउंट आपको ए ऑप्शन में दिख रहा है, क्लियर है? यानी 35% और 12% की दो छूट किस एक छूट के बराबर है, तो आप बोलोगे 42.8% डिस्काउंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है? अगला सवाल देखिए, चलो भुवनेश दो टेप रिकॉर्डर समान कीमत पर बेचता है, पहले टेप रिकॉर्डर पर 10% का प्रॉफिट, दूसरे पर 10% का लॉस, तो इस पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि बताइए, क्लियर? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, अगर दो आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है और उस पर प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट लॉस भी बराबर है, तो पूरे सौदे में हमेशा हानि होगी, और हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे आप, दोनों प्रॉफिट लॉस को मल्टीप्लाई करके 100 से भाग कर देंगे, 100 कट जाएगा, -1% आ जाएगा, और माइनस का मतलब है लॉस, जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, 1% का लॉस हो जाएगा पूरे सौदे में, क्लियर है? क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है? हेलो, अगर समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है? नए लोगों को जोड़िए चैनल पे। किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित किया जाता है, यदि वस्तु को बेचकर 20% का लाभ होता है तो वस्तु के अंकित मूल्य पर दिया गया छूट परसेंट बताइए। बनाओ, क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित किया जाता है, ठीक है, ध्यान से देखिए, क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करने का मतलब है अगर 100 क्रय मूल्य है तो उस पे हम मार्कअप कितना करेंगे 135 का, अंकित कितना करेंगे 135। अब कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट होता है वस्तु को बेचकर, क्लियर है? 20% का अगर लाभ होता है तो जरा समझो क्या कहते हैं, 20% का लाभ का मतलब है 1/5 का लाभ, क्लियर है? यानी 5 का रहा होगा सामान तो हम उसको बेचेंगे कितने में, 6। 20% का प्रॉफिट हो रहा है मतलब 5 का सामान 6 में बेच रहे हैं, तो अच्छा 5 की वैल्यू अपने पास कितनी है, 100। 5 का सामान यानी कॉस्ट प्राइस 5 रहेगा तभी तो सेल करेंगे 6 में, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 100, बताओ 20 गुना है तो यहां से आपको सेलिंग प्राइस बताओ कितना मिल जाएगा, 20 × 120, क्लियर है भाई? ये क्या मिल गया आपको, सेलिंग प्राइस मिल गया, बताओ क्लियर है यहां तक, 120 आपका सेलिंग प्राइस हो गया। कह रहा है बताओ वस्तु के अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट दी, बताओ 135 का सामान है अगर आप 120 में बेच रहे हो तो बताओ डिस्काउंट कितने का दिया आपने, 15 का डिस्काउंट दिया, किस पर दिया भाई, 135 पर,
अगर 15 का डिस्काउंट 135 पे दिया तो बताओ 1/9 का डिस्काउंट दिया, और बताओ 1/9 को परसेंट में क्या कहते हैं भाई, 11 सही 1/9%। बताओ क्लियर है? बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होगा एग्जाम में ये फिर से, क्लियर है? रिपीट होगा, अच्छे से नोट कर लीजिए, छाप लीजिए अपने नोटबुक में, क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए इसको अच्छे से, बार बार करिए इस तरीके के सवालों को, है ना। सीपी से एमपी, एमपी से एसपी को कनेक्ट करना आपको आना चाहिए, ठीक है, जिससे सवाल आपका छूटने ना पाए, ठीक है, फटाफट आपका आंसर निकले। चलो भाई क्लियर है, 11 1/9% का डिस्काउंट। अगला सवाल देखो, सीएचएसएल में आया हुआ सवाल है, बनाओ भाई। एक दुकानदार आमतौर पर प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है 10% की। एक सेल सीजन के दौरान वह दो और छूट देने का निर्णय लेता है। पहली छूट मूल छूट के 50% की दर से और दूसरी छूट पहले की 40% की दर से, क्लियर है? तो बताइए पहले की 40% दर से, तो बताइए समतुल्य छूट क्या होगी, क्लियर है? अच्छा, पहली छूट तो आपको 10% दिया है, ठीक है। दूसरी छूट जो है, पहली छूट जो है वो सॉरी पहली छूट जो है दो और देता है, तो पहली छूट जो इसमें देगा उसमें मूल छूट के 50% की दर से, मूल छूट अपनी कितनी है 10%, तो इसका 50% यानी आधा कितना हो जाएगा 5%। यानी जब बाद में दो और डिस्काउंट देने का डिसीजन लेता है तो उसमें जो पहली छूट होगी वो 5% की होगी। कैसे पता चला? जो मूल छूट है उसका 50% देता है, तो 10 का 50% मतलब 10 का आधा 5% देगा। और क्या कहता है? और जो दूसरी छूट देगा वो पहले का 40% देगा। पहले का 40% का मतलब है 5 का 40%, तो बताओ 5 का 40% कितना हो जाएगा भाई, 2। 5 का 40% कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी पहले देगा 10% का डिस्काउंट, फिर 5 और फिर 2, क्लियर है? जो यहाँ पे दूसरी वाली है वो पहले का 40% है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है? अब इसी का जो है चाहे सक्सेसिव लगाइए चाहे फ्रैक्शन लगा दीजिए। फ्रैक्शन लगाते हैं 10% 1/10 होता है, 10 का समान 9 में। 5% 1/20 होता है, 20 का समान 19 में। 2% 1/50 होता है, तो 50 का समान कितना हो जाएगा 49। मल्टीप्लाई करिए, 50 से 20 हजार, हजार से 10 में गुणा करेंगे 10,000। यहां मल्टीप्लाई करिए, 19 9 या 171 को 49 से मल्टीप्लाई, 49 से 9 हासिल 4, 49 7 कितना होता है भाई 7 9 63 के 3 हासिल 6, 7 4 28 6 34, 343 4 347 के 7 हासिल 34, 49 से 49, 49 में 30 जोड़ेंगे 79, 79 4 83, 8,379। कितने का डिस्काउंट दिया भाई देख लो, 379 बच रहा है ना, 21 बचा उधर, 621, क्लियर है? और 1,621 का डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग, कितने पर भाई 10% यानी 10,000 पे, क्लियर है? मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 0,0 कट गया, 100 से भाग करना है, 2 अंक पे और दशमलव लगा देंगे, 16.21% आपका जवाब हो जाएगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, क्लियर? बी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये 1621 लिखा हुआ है भाई, ध्यान रखना, ठीक है, 1621 लिखा हुआ है, ठीक है। कितने का डिस्काउंट है, 1621 का, क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने फिर से कहा है एसएससी जितने भी सवाल पूछता है सवाल सरल होते हैं लेकिन डाटा उसका कैलकुलेटिव होता है, ठीक है। टीसीएस पैटर्न पे जितने भी सवाल बन रहे हैं वो सब कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन पे पूरा का पूरा फोकस बनाइए, किसी भी एग्जाम के लिए कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बनाइए। एक कंपनी 4 प्रकार के छूट देती है, ज्ञात करिए कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए अच्छा होगा। ये 4 प्रकार के डिस्काउंट दे रहा है, कह रहा है कौन सा अच्छा होगा। बहुत सीधी सी बात है, जिसमें हमको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा वही अच्छा होगा, क्लियर। तो जरा देखो 40 और 10 को कंबाइन करो, जरा 40 + 10 - 40 × 10/100, तो 40 10 50, यहां कट जाएगा 4 घट जाएगा तो 46%। यानी पहले वाले में हमको 46% का डिस्काउंट मिल रहा है। दूसरे में देखो 45 + 5 - 45 × 5/100, 45 × 5 = 50 हो जाएगा, और यहाँ पे काटेंगे अगर 5 से 4 बार और 5 9 45, 9/4 यानी करीब 2 घटेगा आपका, तो लगभग आएगा 48%, ठीक है। ये वाला अभी इन दोनों में कौन सा अच्छा है, ये वाला अच्छा है क्योंकि इसमें 48% का मिल रहा है। तीसरा देखिए 30% और 20% का क्या हो जाएगा, 30 + 20 - 30 × 20/100, 30 20 50 50 - 6 करेंगे तो आ जाएगा 44%,
ठीक है। एक और देखिए, 35 प्लस 15 माइनस 35 गुणा 15 बटा 100, 35 15 50 हो जाएगा। यहाँ काटिए, 5 7 35, 5 से 20 बार, 5 4 20, 5 3 15, 7 3 21 बटा 4, लगभग 5 और घट जाएगा, तो ये डिस्काउंट मिला आपको 45% का। तो आप समझिए, पूरा नहीं निकालना है, बस थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन से समझना है। बस हमको पता है कि जिसमें ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा वही हमारे लिए अच्छा है। 46% का डिस्काउंट ये दे रहा है, दूसरा वाला 48 का दे रहा है, तीसरा वाला 44 का दे रहा है, चौथा वाला 45 का दे रहा है। हमारे लिए कौन सा डिस्काउंट सबसे अच्छा है भाई? 48% का। हाँ, हमें क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट चाहिए। 48% का सौदा हमारे लिए सबसे बेहतर होगा, क्योंकि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। क्लियर है? तो 48% इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो, तो भाई इस तरीके से हम लोगों ने बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से रिवीजन कर लिया। क्लास करीब 13 से 14 क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस कर दिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, आपके आने वाली परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो करीब 5 लेक्चर के माध्यम से मैंने प्रॉफिट एंड लॉस भी आपका कंप्लीट किया। अगर इसके बाद भी आपको कुछ डाउट रह जाता है, कोई सवाल रह जाता है, तो कमेंट बॉक्स में आप चिपका दीजिए सवाल को, उसका जवाब भी हम लोग वहीं पे दे देंगे, या फिर आपको वीडियो के सॉल्यूशन में मिल जाएगा। ठीक है, तो कल से हम लोग एक नया चैप्टर अब स्टार्ट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, तो कल उसकी पहली क्लास होगी जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, है ना, बेसिक उसका सीखेंगे, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, क्या होता है मूलधन, क्या होता है मिश्रधन, क्या होता है ब्याज, क्या रेट होता है ना, क्या होता है टाइम, है ना, टाइम को दिन में कैसे बदलना है ना, वर्ष से महीने में कैसे जाना, ये सारी चीजें जो एक बेसिक क्लास में सिखाई जाती है वो हम लोग कल सीखेंगे। तो कल की क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा, है ना। पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब आपका बेस बन जाएगा तभी आप सवालों को हैंडल कर पाओगे। ठीक है, तो इस 5 क्लास के प्रॉफिट लॉस वाली क्लास को अच्छे से देखिए, दोहराइए बार बार, है ना, और कल से सिंपल इंटरेस्ट की क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है, डेली जुड़िए, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और चैनल पे नए लोगों को जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, मिलेंगे कल 9 बजे क्लास में, है ना। थैंक यू सो मच, गुड बाय।